किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ता और साथ ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सारी मछली और मेंढक थे। उन्होंने उस टापू पर अपने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं ढूंढ ली। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह बूढ़ा गिद्ध यह सब देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए, ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रखें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो हम एक दिन शिकार करना भी भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वह उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़े होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। ये कहकर गिद्धों ने झुंड से उस टापू से जाने को मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वापस लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने सगे लोगों और दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुँचा, वहाँ की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत ही भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थीं। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे, तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल में वापस चला गया। कहानी से सीख: हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।